क्या मुद्दा है आपका, क्यों आप केजरीवाल? ये है कि हमने पिछले 3 साल से जब से आंदोलन शुरू हुआ अरविंद का साथ दिया, पहली बार मुख्यमंत्री बना, फिर दोबारा साथ दिया, बनारस से लेके पंजाब से लेके यूपी तक हर जगह काम किया एक स्वच्छ राजनीति के लिए। मगर दोबारा सीएम बनने के बाद जब अरविंद ने पॉलिटिक्स शुरू कर दी, लालू वाली अक्षेत्रीय पार्टियों वाली पॉलिटिक्स शुरू कर दी कि एक भी बुद्धिजीवी पार्टी के अंदर नहीं होना चाहिए, एक भी क्रांतिकारी साथी तो सवाल कर सके वो पार्टी के अंदर नहीं होना चाहिए, केवल चमचे ही पार्टी में हो, तब से हम लोगों को बड़ा दुख हुआ और अफसोस है कि इस आंदोलन से एक ऐसा नेता निकला जो इस लालू को आज अच्छा नेता मान के चल रहा है, लालू के साथ स्टेज साझा करता है, नीतीश के साथ स्टेज साझा करता है। ये बता दे कि शीला दीक्षित कौन सी जेल में है, कौन सा लोकपाल आने वाला है, कौन सी वीआईपी कल्चर छोड़ दिया। अभी मैंने देखा अरविंद की गाड़ी आई तो 2 पुलिस की गाड़ियां पीछे थी, 2 आगे थी, 5-6 गाड़ियां और भी वीआईपी थी। बात करता था वीआईपी कल्चर की, बात करता था भ्रष्टाचार की। आप सर्वे करा लीजिए दिल्ली का, कितनी जनता इससे संतुष्ट है। खाली अरविंद को अरविंद रहना था, लालू का सरपरस्त नहीं बनना चाहिए था, अक्षेत्र पार्टियों का सरपरस्त नहीं बनना चाहिए था। आप सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? हम सभी आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथी हैं। इनको तब छोड़ा जब ये मुख्यमंत्री बनके गलत काम करने लग गया। आज हमें अफसोस है कि इस क्रांति से एक ऐसे नेता पैदा हुआ जो हर बात में पलटी मारता है, हर बात में पलटी मारता है। अफसोस है इस बात का कि हमने एक ऐसे आदमी को नेता बनाया आंदोलनकारियों ने, जो हर बात में बदल जाता है।